धन आनो है सरकार भगता से मिलने, देखो भाई जो बुलाना चाहता है सिर्फ वही बोलना, जिसके पास टाइम नहीं है मेरे बाबा के पास भी टाइम नहीं है, मिलकर जोरदार आवाज में बोलना धन आनो है भगता से मिलने, टाबरा से मिलने, भगता से मिलने, टाबरा से मिलने। कौन कौन टाबर है, कौन कौन भगत है, पूरे हाथ उठाना, एक दो तीन चार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आगरा नहीं, आगरा के बाहर से भी आए हैं। एक दीवाना इस दरबार में ऐसा भी बैठा है जो अपना काम का छोड़कर 200-200 किलोमीटर कीर्तन में जाता है और महीने में 5-7 कीर्तन अटेंड करता है, 200-200, 300-300 किलोमीटर आज भी आया हुआ है। उसने मुझे अभी ऊपर होटल में अभी मुझे उसने दिखाया कि भैया मेरी माँ को, मेरी माँ पित्त की थैली में पथरियां भरी थी,
मैं बाबा से अरदास लगाई कि बाबा मां को कष्ट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया और मैंने ऑपरेशन का रुपया जमा करा दिया, लेकिन अर्जी लगाने के बाद मन में आया, डॉक्टर ने बोला एक बार दोबारा सोनोग्राफी करवा लो, और बोला अर्जी लगाने के बाद दोबारा सोनोग्राफी करवाई, सोनोग्राफी के अंदर में पित्त की थैली बिल्कुल क्लीन नजर आई। मैंने कहा भाई ऐसा तो होना ही है, तू काम छोड़कर बाबा के दरबार में जाता है तो मेरा बाबा क्या कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं देगा? जो बाबा पर अपने आप को कुर्बान कर देता है उस पर आंच नहीं आने देता प्रेम है मेरा खाटू वाला। जो बाबा के दरबार में जाने के लिए अपनी व्यवस्थाएं नहीं देखता है ना, उसकी सारी व्यवस्था मेरा खाटू वाला करता है प्रेमी। तो मिलकर बोलना ना नरसीना नाम सुदामा, नाम है नरसी नाम सुदामा, ना भिलनीना विदुर सा दीवाना, ना भिलनीना विदुर सा दीवाना, खेतों पे ही हो जो गया उनसे मिलने, खेतों पे ही हो गया उनसे मिलने। थाने थाने आनो है सरकार भगताशु मिलने, थाने आनो है सरकार भगताशु मिलने। कौन कौन मिलना चाहता है मेरे खाटू वाला से, ये पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर द्वापर में घनश्याम और सतयुग संतों के नाम। कलयुग के बारे में बोला गया कि कलयुग में घोर समय खराब आएगा, लेकिन हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमें कलयुग मिला, क्योंकि कलयुग में हमें बाबा और श्याम के साथ खासियत क्या है पता है? श्याम के साथ लीला घोड़ा है। अच्छा बताओ किसके किसके घर में बाबा की तस्वीर है? खाटू नहीं सुनो, सारे ने उठा लिया, जिसके घर में है वही उठाना, जिसके घर में बाबा की तस्वीर है। अरे बाबा क्या बात है, आप लोगों को डर नहीं लगता? कुछ लोगों को लगता है। कलकत्ते में आज भी 90% श्याम प्रेमियों के घर में बाबा की तस्वीर नहीं है, बंबई में आज भी नहीं है, जयपुर में आज भी नहीं है, पता नहीं कहां भ्रमित हो रहे हैं। एक बात बताओ, बाप को घर में बैठाने से
कृपा मिलेगी कि बाप को घर से निकालने से कृपा मिलेगी? कहते देखो, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं जो मुझे जो मेरे भाव है मैं वो रख रहा हूं। कई श्याम प्रेमी बोलते हैं कि बाबा को घर में बैठाओगे तो उनकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तो जो शंकर जी बैठा रखे हैं वो कहीं ऐसे ही थोड़ी है, है? लड्डू गोपाल बैठा रखा है उसकी पूजा नहीं करनी, हनुमान जी का देवता नहीं है। अरे भाई, आपने सुना है, आप बताते हो कि फिलनी के झूठे बेर राम जी ने खाए, आप बताते हो, आप बता दे हो कि विदुराइन के केले के छिलके खाए भगवान कृष्ण ने। ये सिर्फ भाव का भूखा है। किस्मत से मन कलयुग मिलो है, किस कलयुग में लीलो थारी सेवा में खड़ो है, कलयुग में लीलो। अच्छा एक बात बताओ, 90% लोगों ने बताया कि बाबा की तस्वीर घर में है, लीला घोड़ा किसके किसके साथ है? तस्वीर के साथ। देखो मैं अपनी बताता हूं, बाबा ने जो घर मुझे दिया उसमें बाबा विराजमान है और बाबा का लीला साथ में विराजमान है, ठीक है, नुकसान नहीं करता है। पता है लीला घोड़ा रहेगा साथ में ना, लीला घोड़ा साथ में रहेगा तो आप बाबा को जो भाव से रिझाते हो ना, आपके जो दो बूंद आंसू टपकते हैं ना, बाबा किसी भक्त का काम बना रहा है, लीला उस भक्त के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन लीला अगर आपके घर में है तो आप पर भी नजर रख रहा है, और जब बाबा फ्री होगा तब लीला हिनहिनाएगा। बाबा बोलेगा लीला क्यों हिनहिनाया? लीला बोलेगा बाबा अभी उसके भगत के दो आंसू मैंने देखे हैं, उसके यहाँ चलना है। बाबा बोलेगा तू तैयार है? लीला बोलेगा बाबा मैं हरदम तैयार हूँ। और वो लीला, उस लीला की सेवा करोगे, उस लीला की पूजा करोगे तो वो लीला वाला, वो लीला खाटू वाले को लेकर आपके घर में आ जाएगा। किसको किसको भरोसा है, किसको किसको भरोसा है, पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, थाने आनो है सरकार। भगताशु मिल बोल साचे दरबार की।